हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस, इस वीक रैम्पेज शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मैच के अंदर डार्बी एलन स्क्वॉश स्टेटलियन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच ओल्ड राइवल्स के बीच में था, यानी कि डार्बी एलन और स्क्वॉश स्टेटलियन के बीच में था, जिन्होंने AEW कंपनी के शोज के ऊपर तो नहीं लेकिन पहले इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस दिए हैं। इसलिए इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी और इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही अच्छा था। जिस बीच हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर कई बार ऐसा लग रहा था कि स्टिंग इस मैच में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन स्टिंग ने ऐसा नहीं किया और हमें इस मैच में डार्बी एलन और स्क्वॉश स्टेटलियन इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और फाइनली इस मैच के आखिर में डार्बी एलन स्क्वॉश स्टेटलियन के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन स्क्वॉश स्टेटलियन ने दोनों ही नीज ऊपर कर लिए और स्क्वॉश स्टेटलियन डार्बी एलन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर डार्बी एलन को पिन कर दिया। पर डार्बी एलन रोप्स के काफी करीब थे, इसलिए स्क्वॉश स्टेटलियन यहाँ पर मैच नहीं जीत पाए। और ये देखकर स्क्वॉश स्टेटलियन ने डार्बी एलन के ऊपर रिंग के बाहर एक बहुत ही बढ़िया सुपरलेक्स लगाई, जो कि इस मैच की एक एक्सट्रीम मोमेंट थी। लेकिन तभी यहाँ पर रिकी स्टार्स आ गए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर रिकी स्टार्स पुष्पा के स्टाइल में आ रहे हैं। और यहाँ पर रिकी स्टार्स इस मैच में इंटरफेयर करने के लिए आ रहे थे, लेकिन स्टिंग ने रिकी स्टार्स को रोक लिया। और ये देखकर जब स्क्वॉश स्टेटलियन रिंग के अंदर गए, तब डार्बी एलन ने स्क्वॉश स्टेटलियन के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया और इस पिन के सहारे डार्बी एलन ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर स्क्वॉश स्टेटलियन काफी शॉक थे, क्योंकि स्क्वॉश स्टेटलियन ने मैच हार चुके हैं। और रिजल्ट देखकर रिकी स्टार्स भी काफी खुश थे, क्योंकि रिकी स्टार्स को यहाँ पर यही करना था और रिकी स्टार्स अपनी चीज के अंदर कामयाब हो गए है। पर यहाँ पर स्क्वॉश स्टेटलियन और डार्बी एलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली दोनों इस मैच के रिजल्ट से काफी खुश नहीं है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर शॉन स्पियर्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए शॉन स्पियर्स ने कहा कि MJF ने नेक्स्ट वीक वार्डलो को फेस करने के लिए एक काफी बड़े सुपरस्टार को AEW कंपनी ने अंदर बुला लिया है और वो सुपरस्टार 7 feet टॉल है और सुपरस्टार के पास वो सब चीजें है जो कि उसे वार्डलो को हराने के लिए चाहिए। और नेक्स्ट वीक सुपरस्टार वार्डलो को हराने वाला है और शॉन स्पियर्स सुपरस्टार के कॉर्नर के अंदर रहने वाले है। जो बात यहाँ पर शॉन स्पियर्स ने कही, तो देखना पड़ेगा कि वो सुपरस्टार कौन होता है। पर गाइस, इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और जेरिको प्रिसिजन सोसाइटी ने एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया था। और इसलिए यहाँ पर अपनी इस अटैक के चलते क्रिस जेरिको ने इस वीक स्पोर्ट्स एंटरटेनर ऑफ द वीक का अवार्ड अपने आप को दिया है, जो कि प्रॉब्ली क्रिस जेरिको एक कॉमेडी स्किट है। पर तभी यहाँ पर सैंटाना और ओटिस आ गए और यहाँ पर आकर सैंटाना और ओटिस ने कॉमेडी टेबल पर बैठे हुए क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने यहाँ पर आकर सैंटाना और ओटिस को रोक लिया, जिससे कि जेरिको यहाँ पर बच पाए। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर क्रिस जेरिको और सैंटाना और ओटिस के बीच में क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक 6-woman टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर जेड कारगिल, रेड वैलेट और KR होगर मिलकर विलो नाइटेंगल, ट्रिश अरोरा और स्काई ब्लू को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होती इस मैच के अंदर जेड कारगिल की टीम यानी कि रेड वेलवेट ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, जिस बीच हमें इस मैच के अंदर जेड कारगिल की टीम और स्काई ब्लू की टीम की तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस, मैंने आपसे कहा था कि AEW कंपनी अंदर मल्टीपर्सन मैचेस बहुत ही बढ़िया होते हैं और वैसे ये मैच भी AEW कंपनी अंदर एक बहुत ही बढ़िया मैच चला, जहां पर हमें इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार की तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और सभी सुपरस्टार को शाइन करने का मौका मिला है। पर गाइस, ये मैच ज्यादा देर तक नहीं चला और जब फाइनली इस मैच के आखिर में जेड कारगिल ट्रिश अरोरा के ऊपर अपना फिनिश लगाने के लिए गई, तब रेड वेलवेट ने स्काई ब्लू के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक स्पियर लगाई और जेड कारगिल ने ट्रिश अरोरा के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ट्रिश अरोरा को पिन कर जेड कारगिल ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जहां पर जेड कारगिल की टीम देख ऐसा लग रहा है कि गाइस प्रॉब्ली ये AEW कंपनी विमेंस डिवीजन के अंदर एक बहुत ही बड़ा फैक्शन तैयार हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनका AEW कंपनी अंदर फ्यूचर कैसा होता है। पर गाइस, इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर टोनी शिवानी बैकस्टेज में डार्बी एलन और स्क्वॉश स्टेटलियन के इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर टोनी शिवानी ने डार्बी एलन से पूछा कि इस मैच के आउटकम के ऊपर डार्बी एलन का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन खुद भी इस मैच से काफी ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसे कि डार्बी एलन चाहते थे, क्योंकि इस मैच के अंदर स्क्वॉश स्टेटलियन डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे और इसके लिए डार्बी एलन को काफी बुरा लग रहा है। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन ने कही, लेकिन यहीं पर बात करते हुए स्क्वॉश स्टेटलियन ने कहा कि डार्बी एलन को इसका बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब रिकी स्टार्स की वजह से हुआ है और स्क्वॉश स्टेटलियन इस चीज के लिए रिकी स्टार्स को पे करवाने वाले है। जो बात यहाँ पर स्क्वॉश स्टेटलियन ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर स्क्वॉश स्टेटलियन और रिकी स्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर कीथली कोल्टन गन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस कीथली के हर एक मैच की तरह ही इस मैच में भी इस मैच की शुरुआत में कीथली के अपोनेंट यानी कोल्टन गन काफी डोमिनेट करने के लिए जा रहे थे, पर कोल्टन गन के काफी तगड़े अटैक का भी कीथली के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ और कीथली ने इस मैच के अंदर कोल्टन गन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो अटैक देखकर यहाँ पर कोल्टन गन के भाई यानी कि ऑस्टन गन भी काफी वरीड थे। और यहीं पर जब कीथली कोल्टन गन के ऊपर अटैक करने के लिए गए,
तब एक टाइम के लिए ऑस्टिन गन ने कोल्टन गन को साइड में कर दिया, जिस बीच कीथली ने एक्सीडेंटली ऑस्टिन गन के ऊपर अटैक कर दिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कोल्टन गन कीथली के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन कीथली ने इसे अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और कोल्टन गन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर कोल्टन गन को पिन कर कीथली ने मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर कीथली के लिए एवली कंपनी के शोज के ऊपर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज के ऊपर बैकस्टेज में टोनी शिवानी द हार्डीज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने जेफ हार्डी से पूछा कि जेफ हार्डी ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इसके ऊपर जेफ हार्डी का क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए जेफ हार्डी ने कहा कि जेफ हार्डी एवली को मनी आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जेफ हार्डी के लिए एवली को मनी अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया ड्रीम मैचेस है और अगर जेफ हार्डी ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो भी पॉसिबल आगे चलकर जेफ हार्डी और डार्बी एलन इनके बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है, जो बात यहाँ पर जेफ हार्डी ने कही। और यहीं पर मैट हार्डी ने भी कहा कि जेफ हार्डी इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं और मैट यहाँ पर जेफ को इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए मदद करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर हार्डीज ने कही। पर इसके बाद हमें द अनडिस्प्यूटेड एलीट का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए जेफ हार्डी के ओपोनेंट यानी कि बॉबी फिश ने कहा कि बॉबी फिश क्वालिफाइंग मैच जीतने वाले हैं, जिससे कि हमें ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर द अनडिस्प्यूटेड एलीट के तीन मेंबर्स यानी कि एडम कोल, काइल ओ'रायली और बॉबी फिश ये तीनों ही कम्पीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो बात यहाँ पर बॉबी फिश ने कही। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बॉबी फिश और जेफ हार्डी इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज पर डैन हाउसन आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर अगर बात करते हुए डैन हाउसन कह रहे थे कि डैन हाउसन एवली कंपनी काफी बढ़िया चीज यानी कि हुक को बर्बाद करके रखने वाले है और इसलिए डैन हाउसन यहाँ पर हुक को बुला लिया, जिसके बाद यहाँ पर हुक आ गए और इनके अंदर आते ही हुक डैन हाउसन की सीधा फेस के सामने खड़े हो गए, जो देखकर डैन हाउसन काफी डर गए थे। और यहाँ पर डैन हाउसन ने कहा कि डैन हाउसन चाहते हैं कि ये फेस ऑफ कभी और करे, पर यहाँ पर पहली बार बात करते हुए हुक ने कहा कि हुक ये फेस ऑफ अभी करना चाहते हैं, जो सुनकर यहाँ पर क्राउड काफी एक्साइटेड था। लेकिन तभी यहाँ पर मास स्टर्लिंग आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मास स्टर्लिंग ने कहा कि यहाँ पर कोई भी हुक और डैन हाउसन को रेसल करते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए डैन हाउसन और हुक एवली कंपनी की रिंग छोड़कर चले जाए, जो बात यहाँ पर मास स्टर्लिंग कर ही रहे थे। पर इसी चीज का फायदा उठाकर पीछे से प्रीमियर एथलीट यानी कि टोनी निस ने हुक और डैन हाउसन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर मास स्टर्लिंग भी हुक के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, पर हुक ने मास स्टर्लिंग को साइड में लगा दिया और हुक ने टोनी निस के ऊपर भी काफी खतरनाक अटैक कर दिया, जो अटैक देखकर टोनी निस और मास स्टर्लिंग ये दोनों रिंग छोड़कर बाहर चले गए। पर जब टोनी निस और मास स्टर्लिंग दोबारा रिंग के अंदर आ रहे थे तब डैन हाउसन ने सामने जाकर इन दोनों को ही कर्स कर दिया, पर ये दोनों यहाँ पर डैन हाउसन को डर कर नहीं बल्कि पीछे से आ रहे हुक को डर कर यहाँ चले गए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डैन हाउसन का कर्स हुक और मास स्टर्लिंग के ऊपर वर्क नहीं किया। और जबकि यहाँ पर डैन हाउसन को ऐसा लग रहा है कि उनका कर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है और मास स्टर्लिंग और टोनी निस यहाँ पर डैन हाउसन के कर्स को डर कर यहाँ से भाग रहे हैं, पर रियलिटी में यहाँ पर मास स्टर्लिंग और टोनी निस डैन हाउसन के कर्स को नहीं बल्कि पीछे खड़े हुक को देखकर डर कर भाग रहे थे, जिससे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर डैन हाउसन कुछ अलग ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी कुछ अलग ही है। पर इसके बाद जब डैन हाउसन और हुक एक दूसरे के आमने सामने आ गए तब हुक ने डैन हाउसन को अपने करीब खींच लिया और हुक ने डैन हाउसन से कहा कि डैन हाउसन हुक से दूर रहे, जो बातें कहकर हुक यहाँ चले गए। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर डैन हाउसन और हुक इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा क्राउड डैन हाउसन और हुक को एक साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डैन हाउसन और हुक एक साथ आते हैं या नहीं, पर जो भी हो लेकिन गाइस मैं रैवलरी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना है कि इस रैवलरी के अंदर आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमने रैम्पेज पर बैकस्टेज में देखा कि यहाँ पर लेक्सी कोल्टन गन का इंटरव्यू ले रही थी और कोल्टन गन यहाँ पर अपना पहला मैच हार चुके हैं, जिसके ऊपर बात करते ऑस्टिन गन ने कहा कि सभी लोग ये बात क्यों कह रहे हैं कि कोल्टन गन अपना पहला मैच हार चुके हैं, बल्कि सभी लोगों को ये कहना चाहिए कि कोल्टन गन ने अपना पहला सिंगल्स मैच रसल किया है, जो बात यहाँ पर ऑस्टिन गन कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर दक्लेम आ गई और यहाँ पर अगर बातें करते दक्लेम ने कहा कि दक्लेम चाहती है कि गन क्लब और दक्लेम एक साथ मिलकर काम करे, जिससे कि अगर ये दोनों साथ में रहे तो इन्हें कोई नहीं हरा पाएगा, जिस पर बातें करते हुए कोल्टन गन और ऑस्टिन गन ने कहा कि इसके बारे में अपने डैड से पूछने वाले हैं। और ये बातें अगर कोल्टन गन और ऑस्टिन गन यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें आगे चलकर द क्लेम और कोल्टन गन और ऑस्टिन गन एक साथ आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज के ऊपर मर्सिडीज मार्टिनेज के लिए बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते मर्सिडीज मार्टिनेज ने कहा कि मर्सिडीज मार्टिनेज रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो यानी सुपर कार्ड ऑफ 2022 पेपर के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इंटरिम विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी है, लेकिन मर्सिडीज मार्टिनेज को ये प्रूव करना है कि मर्सिडीज मार्टिनेज अनडिस्प्यूटेड रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, जो बातें यहां पर मर्सिडीज मार्टिनेज ने कही। तो देखना पड़ेगा कि इसके लिए मर्सिडीज मार्टिनेज क्या करती है। पर इसके बाद फाइनली यहाँ पर इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर मार्क हैंडी समोआ जो और टेंट का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर मार्क हैंडी ने समोआ जो से पूछा कि अपने मैच से पहले समोआ जो को टेंट को कुछ कहना है या नहीं, और यहाँ पर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि टेंट को समोआ जो से बचकर रहना चाहिए क्योंकि समोआ जो काफी खतरनाक सुपरस्टार है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए टेंट ने कहा कि टेंट को पता है कि समोआ जो काफी खतरनाक सुपरस्टार है, पर टेंट भी अपना 100% ट्राई करने वाले हैं कि टेंट समोआ जो को हरा दे और टेंट बन जाए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन। जिसके बाद फाइनली यहाँ पर इस वीक के रैम्पेज शो का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर समोआ जो अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर टेंट के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही इस मैच के अंदर टेंट अपनी एजिलिटी का इस्तेमाल कर समोआ जो के ऊपर अटैक करने के लिए गए और अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर टेंट कामयाब भी हो रहे थे, पर एक टाइम के लिए समोआ जो ने टेंट की मूव रिवर्स कर दी और समोआ जो ने इस मैच के अंदर टेंट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया, जो अटैक देखा जाए तो टेंट की हालत देखकर काफी खतरनाक लग रहा था।
और यहीं पर जब समोजो आखिरकार टेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तब टेंट ने समोजो का फिनिशर रिवर्स कर दिया और टेंट ने समोजो के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया, पर समोजो ने इसे रिवर्स कर टेंट के ऊपर अपना फिनिशर यानी कोकीना क्लंच लगा दिया जो कि टेंट सही नहीं कर पाए और यहाँ पर टेंट पास आउट हो गए, जिससे कि समोजो ने मैच जीत लिया है और समोजो स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी वर्ल्ड चैंपियन और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ट्रेडिशन की तरह यहाँ पर समोजो ने मैच शुरू होने से पहले और मैच खत्म होने के बाद अपने ओपोनेंट के साथ एक हैंडशेक किया और इसके बाद यहाँ पर टोनी शिवानी रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर टोनी शिवानी समोजो का इंटरव्यू ले ही रहे थे, पर तभी यहाँ पर जय लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह आ गए जिन्हें देखकर ऑरेंज कैसरी ने बेस्ट फ्रेंड्स को पीछे किया और ऑरेंज कैसरी सतनाम सिंह के सामने गए जहाँ पर ऑरेंज कैसरी सतनाम सिंह के ऊपर किक्स ऑफ डूम लगा रहे थे जो कि काफी फनी लग रहा था, पर ही पर जय लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह इन्होंने मिलकर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर दिया और जय लीथल रिंग के अंदर समोजो के ऊपर अटैक करने के लिए गए और रिंग के अंदर जय लीथल समोजो के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए जिन्होंने सतनाम सिंह को रिंग के अंदर जाने से रोक लिया और काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर जय लीथल और समोजो को सेपरेट किया, जिसके साथ इस वीक का रैंपेज शो ऑफिस चला गया जो देखा जाए तो इस वीक एक देखने लायक रैंपेज शो था। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस रैंपेज शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही एवल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवल्यू कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?